हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अभी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका साइंस का एग्जाम कंडक्ट कराया था फर्स्ट सिटिंग में, तो ये फर्स्ट सिटिंग का आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन सही है। ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा गेस से क्वेश्चन आया हुआ है, जो छात्र गेस से लिए हुए थे कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन आया हुआ है। कल एक 10 बजे वीडियो प्रोवाइड कराए थे, शाम को 5 बजे वीडियो प्रोवाइड कराए थे, उससे सारा क्वेश्चन आया हुआ। हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है कि गेस्ट से क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पे आंसर की स्टार्ट करते हैं। ये सेट आई हो है, जिनका सेट आई है वो डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, वहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सभी सेट में सेम क्वेश्चन है, केवल नंबरिंग इधर से उधर है। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, क्वेश्चन का आंसर बोल दूंगा, वहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। तो ये आपका आवर्त कहलाती है, पीरियड कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विधि उपयुक्त है। 3 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम को काटा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये ग्वाइटर होता है, घोंघा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सुबह में क्वेश्चन कराए हुए थे आपको टॉप 45 क्वेश्चन, उसमें से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बहुत सारे आपको फेक चैनल मिलेंगे जो इधर से उधर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। यह ऑथेंटिक सौरभ सर का कोचिंग का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पल पल की बिहार बोर्ड से खबर है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 110% ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपका हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 6 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। 8 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो 9 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स एंड्रोजन क्या है। 12 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए नरलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो इसमें आपका अर्थोरोम, ऑप्शन ए केंचुआ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चुना था। तो ये मटर को चुने थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। कल मैंने ये कराया हुआ आपको ऑब्जेक्टिव में। 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा, वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो 17 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका कुटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति होती है। 19 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वायवीय। इंग्लिश मीडियम वाले इसे एरोबिक टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स मछली का श्वसांग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज। 20 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 21 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी फेरियम आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, सभी लोग जान रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनसे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हुए कहलाते हैं। 23 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स इथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र है। 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स वैद्युत प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक पूछ लिया है। वैद्युत प्रतिरोधकता का तो ये आपका ओम मीटर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा
चालक है, तो इसमें कौन है आपका सबसे अच्छा चालक? तो यहाँ पे देखिए 26 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ओरेस्टेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 28 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। आपका 29 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, किसी प्रकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हीरा का। पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 32 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 33 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए उपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, अम्ल का पीएच मान होता है तो आपको पता है 7 से कम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, घोले का सोडा का आणविक सूत्र है Na2CO3 मैंने आज कराया हुआ था सुबह में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल है। 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए मिथनोई का अम्ल, ये भी सुबह में कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? 37 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंग रंगीन भाग होता है? 38 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है? 39 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी नीला। यहां पे आपका ऑप्शन बी नीला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 40 का आपका करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 48 क्वेश्चन में से आप लोग को 40 क्वेश्चन बनाना था, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैथ का 5 बजे VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ अपलोड किया जाएगा। एग्जाम में पूरा गेस हम लोग का आ रहा है, तो अभी तक जो लोग सोशल साइंस और संस्कृत का गेस नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 110% ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। Yeah.